वेरी गुड इवनिंग, आज आप लोग का साथ करता हूँ फिर से यूमैटिक प्रकाश के एक ब्रांड न्यू वीडियो में। और मैं आपको ब्रांड न्यू वीडियो में लेके जाने वाले हूँ आज जो बिहार के चंपारण के प्रसिद्ध जो मटन हंडी बनता है वहाँ पे। लेकिन उसके लिए मैं आपको जो मैं बिहार लेके नहीं जाने वाला हूँ, आपको मुंबई महाराष्ट्र में ही जो है मटन हंडी खिलाने वाला हूँ। आपने भी देखा होगा कि उसका बनाने का तरीका जो टोटली यूनिक है, जो बिहार वाला चंपारण का मटन हंडी है। तो चलिए हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इनका बनाने का तरीका कैसे है, टेस्ट उसका वैसे सेम है या अलग है, क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटी है, पूरा आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए आपको फटाफट लेके चलता हूँ। और जो बिहार चंपारण का प्रसिद्ध मटन हंडी है जो कि मुंबई में आपको मिलने वाला है, तो वीडियो में आगे बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे आना है, क्या करना है, क्या कॉस्टिंग आएगा, पूरा डिटेल्स में आगे वीडियो देने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। ग्राइज में पहुंच चुका हूँ फेमस चंपारण मटन एंड चिकन हाउस विरार में, आप देख सकते हो ये आउटलेट है। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं इनके जो ऑनर है उनसे मिलवाता हूँ और चलिए उनसे बात करते हैं उनके जर्नी के बारे में। तो आपने सबसे पहले ये मुझे बताया कि ये चिकन अपना मटन हंडी है, ये इतना मतलब बिहार का एक तरीके से वहाँ का फेमस है। तो आपने यहाँ मुंबई में कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से हुआ है, कभी सफर स्टार्ट किया? अभी ये चालू होके तो 3-4 महीने हो गए। ये मसाले सब पटना से, इधर जो स्पेशल जो मसाला है वो यहाँ पर नहीं मिलता, वहाँ पर नहीं मिलता पटना से, क्योंकि यहाँ से ये मसाला यहाँ पर आता है। यहाँ पर कहाँ पर एक ऑथेंटिक मटन खाने मिलता नहीं है, मटन में हम लोग जाते हैं वहाँ पर बाजू में बिग बाजार है, बिग बाजार है और डिंगरी होटल है, डिंगरी होटल के बाजू में लगती है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आपको विरार वेस्ट में आना, वाई के नगर जो आप टूवर्ड ग्लोबल ग्लोबल सिटी आते हो तो वहाँ पे पैंटलून्स और बिग बाजार है, वहाँ से पहले एक लेफ्ट लेते हैं और उसी रोड में जैसे आपके ग्रुप में मतलब चौथा या पांचवा शॉप है इनका, आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो। बाकी मैं इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको अपना पिन कर दूंगा, आप वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो फिर आप टाइमिंग क्या है यहाँ मतलब? मंडे से सैटरडे शाम को 6 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक चालू रहते हैं और संडे को सुबह 11 बजे से लेके रात को 11 बजे। और कुछ ऐसे शादी वाली हो गया ऑर्डर समझे मेन पटना से जो मसाला आता है वो है उनका, ये मीट मसाला है, मटन मसाला है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, रेड कश्मीरी मिर्ची है, रेड मसाला है और एक ये गरम मसाला एक है और एक सॉल्ट हो गया। और ये ऑयल कौन सा आपने यूज़ किया? सरसों का ऑयल है। वैसे यहाँ पे आपको 2 हंडी मिलेगा, एक आधा किलो का और एक किलो का। आप देख सकते हो यहाँ पे जो 1 किलो वाला मटन हंडी है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और जितने भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे देख रहे हो उसका मेजरमेंट ऑलरेडी पहले ले लिया गया है। वो सबसे पहले मटन में ये देख रहे हो आप सरसों तेल गया इसमें, मीट मसाला ठीक है, धनिया पाउडर, कश्मीरी चिली, रेड मसाला, गरम मसाला है, एक स्पेशल मसाला है जो खाली खुशबू के लिए, जो वो सेंट निकलता रहता है पूरा, हाँ खुशबू के लिए, सॉल्ट और ये मेन जो उनका पटना का जो मसाला है मेन वो ये पटना का मसाला जो पटना से आता है। गाइस आप देख सकते हो इसमें जो भी पाउडर वाला मसाला है वो जा चुका है और इसमें अभी जो अखा मसाला है वो जाने वाला है, लहसुन अखा लहसुन अखा लहसुन जाएगा, जीरा, इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, ब्लैक पेपर, जावित्री, ऑनियन, ये मेजरमेंट किया हुआ है। ओके, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ठीक है और ग्रीन चिली। आप देख सकते हो उसमें पूरा मसाला जा चुका है और इसको भैया बहुत ही अच्छे से मैरिनेट कर रहे हैं। और भैया फुल चिकन हंडी और फुल मटन हंडी का क्या प्राइस है, प्लस दोनों में क्वांटिटी कितना आता है, थोड़ा उसके बारे में प्लीज़ आप मेरे ऑडियंस को बताइए। इसका प्राइस है 1300 रुपये फुल हंडी है, उसमें 24 पीसेस के आसपास आ जाते हैं, अगर चिकन लोगे तो चिकन में 20-22 पीसेस आ जाते हैं। चिकन का क्या कॉस्टिंग आता है 1 किलो का पूरा हंडी का? 1 किलो का 800 रुपये है और ये मटन का? मटन का 1300 रुपये। ये पूरा हंडी कितना 1 किलो का रहता है? ये ग्रेवी पकड़ के 1.5 kg के ऊपर चलता है और इसमें मटन देखोगे तो 800 ग्राम का।
देख सकते हो यहाँ पे हमारा मटन हंडी मैरिनेट होके रेडी हो चुका है, और आप देख सकते हो अभी से देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है ये, और ये अभी हंडी में जाने वाला है। तो देख सकते हो भैया यहाँ पे हंडी लेके आ गए हैं, और यहाँ पे इसमें हंडी में थोड़ा सा जो है ना सरसों का तेल डाला गया है, सो दैट कि हंडी में अगर कोई छेद हो तो वो बंद हो जाए, प्लस अंदर में जब मटन डालेंगे तो वो पकड़ेगा नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। अपना मटन जो है ना बनने के लिए तैयार हो गया है, देख सकते हो ये अभी हंडी में जा रहा है, एंड इसके बाद अभी कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोग स्पेशल ओकेजन के लिए बुक करना चाहते हो तो आप बुक कर सकते हो इनको कॉल करके, एंड कुछ दिनों के बाद यहाँ पे स्विगी एंड जोमेटो से भी आप ऑर्डर कर सकते हो अगर आप नियर में विरार हो तो। अगर कोई ऐसा पूरा सॉलिड मटका लेके जाना चाहते हो लेके जा सकते हैं, मटके के साथ ही पार्सल होगा। अच्छा, हाफ के जी और फुल के जी दोनों में मटका आ जाएगा, मटके के साथ ही आता है ताकि वो एक घंटे तक गर्म रहता है उसमें। आप एक घंटे के बाद भी खोलोगे तो आपको गर्म। अब देख सकते हो यहाँ पे मटन मटके के अंदर जा चुका है, और इसके ऊपर भी ढक्कन डालने वाले हैं, और इसके जो गैप है ढक्कन और मटके के बीच का उसको जो ना आटा से भरने वाले हैं, सो दैट कि अंदर का जो एयर है वो बाहर ना आ सके, और ये मटन हंडी जो ना बहुत अच्छे से कुक हो, जो कि इस मटन हंडी का मेन फीचर्स है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भैया इसको बंद कर रहे हैं, ये भी इसका जो है ना एक मेन टास्क है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गैप रह गया ना तो फिर जो है ना इसका एयर बाहर आएगा, एंड फिर जो है ना मटन उस हिसाब से बनेगा नहीं, वो फील नहीं आएगा जो कि मटन हंडी में आता है। ये पकड़ता वकड़ता नहीं है अंदर में, अगर ये सब बंद कर दे तो, जैसे कि हम लोग गर्म बनाते पूरा उसको चलाना होता है। नहीं, उसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद हंडी हिलाना पड़ता है। अच्छा, कपड़े से पकड़ के थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाना पड़ता है। कितना टाइम लग जाता है इसको पूरा कम्प्लीट होने में? कम्प्लीट होने के लिए उसको 2 घंटा का, अभी ये जाएगा सीधा कोयले पे 2 घंटा पकेगा। देख सकते हो आप यहाँ पे अपने हंडी जो ना कोयले के भट्टी पे आ चुका है, और यहाँ पे आप जितने भी हंडी देख रहे हो ये बारी बारी सब लगने वाला है, क्योंकि आज संडे है। ऑल दो इनका शॉप जो है न्यू है, बट फिर भी नहीं कुछ तो 15-20 हंडी जो है ना दिन का लगता है यहाँ पे, जिस हिसाब से यहाँ पे फुटफॉल है एंड लोगों का रिएक्शन है, बहुत जल्दी ये 20 किलो जो है ना 100-200 किलो में कन्वर्ट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे 80-90% कस्टमर जो है ना रिपीट कस्टमर होता है। माउथ टू माउथ पब्लिकेशन जो है ना ये शॉप का बहुत हो रहा है, बिकॉज ये वैसा प्रोडक्ट एंड क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं। ये कितने देर में हिलाना पड़ता है आपको? 15-20 मिनट में हिलाना पड़ता है। होम डिलीवरी वगैरह आप खुद से करते हो या मतलब कैसे? खुद से करते हैं, और अगर ऑनलाइन अगर कोई करना चाहता है तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, स्विगी जोमेटो वगैरह वहाँ पर अवेलेबल है। 5-6 दिन में चालू हो जाएगा स्विगी वगैरह। बाकी अगर आपको विरार के जो लोग हैं वो मतलब कॉल करके ले सकते हैं, ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं, विरार में कहीं भी डिलीवरी कर सकते हैं। फिक्स ऑर्डर है, वो पहले ही फ़ोन करके बता देते हैं। अच्छा, और फिर 2 घंटे के बाद लेने आते हैं या फिर मैं डिलीवरी कर देता हूँ। ये चिकन जा रहा है? हाँ, ये चिकन। इंग्रेडिएंट्स तो इसका भी वैसे सेम होगा, मसाला वगैरह बस खाली चिकन, जो मटन मसाला और जो है वो खाली चेंजेस है उसमें, चिकन मसाला, बाकी सब मसाले सेम। यहाँ पे जो आप कस्टमर आते हैं उनका रिस्पांस कैसा रहता है, मतलब क्या वो रिपीट होते हैं या क्या बोलते हैं, मतलब कौन से हमारे कस्टमर हैं वो रिपीट, जो वहाँ के पटना के और बिहार के जो लोग हैं उनको उनका जो फ्लेवर है हाँ वो समझ में आता है, वहाँ से मसाले आते हैं तो उनका फिक्स ऑर्डर रहता है। पहले फ़ोन करके बता देते हैं क्योंकि पकने के लिए 2 घंटा जाता है। हाँ, वो तो लगता है उसमें, तो इसलिए मैं सबको वही बोलता हूँ कि मुझे 2 घंटे पहले आप फ़ोन करके बताएंगे तो अच्छा रहेगा। उनका बस रेडी रहता है लेकिन मैं बनने में टाइम लगता है ओबियसली। उनका फीडबैक कैसे रहता है, मतलब उनका टेस्ट वगैरह वहाँ का जो उनको ऑथेंटिक मिले? ऑथेंटिक वहाँ का ही मसाला है तो उसमें टेस्ट में कुछ चेंजेस नहीं होते, आज अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटा हो चुका है यहाँ पे, और देख सकते हो यहाँ पे इसको ओपन किया जा रहा है, एंड मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज 2-3 घंटे से पता है इसका सेंट जो नाक में जा रहा है, मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ मुझे पता है ये चीज़, और जब आपका फेवरेट फूड आपके सामने हो तो उसका क्या फीलिंग होता है ये चीज़ आप रिलेट कर सकते हो। और देख सकते हो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है और प्योर ऑथेंटिक एंड रियल जो है ना इसका सेंट आ रहा है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे सेम टू सेम आ रहा है, बिकॉज मैंने चंपारण वाला मटन जो है ना पटना में भी खाया है, यहाँ का और वहाँ का सेंट से तो लग रहा है कि दोनों सेम डिटो बना है। तो आप देख सकते हो ये पूरा बन के रेडी हो चुका है, और इसमें जो है ना लास्ट धनिया पत्ता डाला जा रहा है, उसके बाद मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि पटना में जो चंपारण के मटन हांडी है प्लस ये जो मटन हांडी है दोनों का टेस्ट सिमिलर है या डिफरेंस है, बिकॉज मुझे इसका सेंट से इतना लग रहा है कि ये डिफरेंट होगा, सेम वैसे ही डिटो इसका सेंट आ रहा है। चलिए अभी इसको टेस्ट करते हैं एंड फिर आपको मैं बताता हूँ कि कैसा इसका टेस्ट है। गाइस ये इसका मेन्यू कार्ड है, ये फर्स्ट पेज पे आप देख सकते हो इसका एड्रेस मोबाइल नंबर एंड एवरीथिंग दिया हुआ है, एंड अगर आप पूरा हंडी नहीं लेना चाहते हो, अगर आप इंडिविजुअल हो तो यहाँ पे थाली सिस्टम भी अवेलेबल है। आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक थाली में कितने क्वांटिटी प्लस उसका क्या प्राइस है प्लस उसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है, कंप्लीट डिटेल्स इसमें दिया हुआ है, आप इसको पॉज करके देख सकते हो। ये जो आप थाली देख रहे हो ये 249 का एक लमसम थाली आता है। मेरे थाली में यहाँ पे चिकन भी दिया हुआ है, मटन भी दिया हुआ है, साथ में थोड़ा सा चावल है,
भाकरी दिया हुआ है, सैलेड है एंड ये आप देख सकते हो काइंड ऑफ छाछ है। तो चलिए फटाफट इसको टेस्ट करते हैं एंड टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा इसका टेस्ट है। एक ही वर्ड मैं इसके लिए बोलूँगा, परफेक्ट। बहुत ही अच्छा चिकन एंड मटन दोनों बना हुआ है, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है ये खाने में। वाकई मुझे जो ना गांव वाली बिहार वाली फीलिंग आ गई यहाँ पे आके।